रेलवे पुलिस है ना जी, नहीं पता नहीं है इथों दा चोरी चकारी करने वाले जेड़े होंदे ना नेता वो डरदे होंगे तुहाडे जे पुलिस वाले कोल और अफसर कोल। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। या दे पैसे दियो सही, मैं पीएम जी एस भाई ने आख्या 47,000 रुपया दियो खोली लो। सर कलेक्शन करी आस ऑन दिन आने की पैसे दे दो, अभी देते हैं आपको 47,000 रुपया। बेईमानों की टोली किट्ठी हुई थी इत्थे, और तुम जाते हो ना जहां रहते हो ना तुम यहां, ये भी इन्हीं लोगों ने जमीनें दी हुई है। कल को ये यहां खड्डा खोदेंगे, देखेंगे तुम अपने घर को कैसे जाते हो। लोगों के, हमारी बहनों के रास्ते बंद कर रहे हो, बुजुर्गों के रास्ते बंद कर रहे हो, इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और कोई नहीं हो सकती। मैं चीफ का मुंह काला करना ही है सारे अफसरों का। 10,000 लोगों की अगर परेशानी होगी ना, अर्श देव कुर्बानी दे सकता अपनी। गल आ दो यार नहीं, कोई गल समझ गई नहीं आती है। पुलिस वाले 500 बंदे भेजे, मैं आखना पूरी बटालियन मंगवाओ हाँ, अर्श देव कुछ को नहीं डरता। लोगों की खातर मैं जान नहीं सकना, क्या इतने इतने एडा बड़ा इशू बनी है, सारा ग्रह इतने किट्ठा होगा, और इतने पुलिस के माध्यम करने असे इन्हें लोगों कोई डराने की कोशिश करें ना, तो भुल जाओ, नहीं जाने देते आपको आगे। हम वहां खड़ा करेंगे, आपका कोई आदमी दफ्तर नहीं जा सकेगा। अगर आप लोगों का रास्ता रोकेंगे ना, तो आपको आपको यहां से गुजरने कोई नहीं देगा। ये लोग सिस्टम है इसका सिस्टम क्या सिस्टम है, अप्रूव लीजिए ना। जहां मर्जी आप दीवार खड़ी कर देंगे, लोगों के रास्ता रोक देंगे आप। दिस इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। मैंने आपके खिलाफ FIR लगाई है थाने के अंदर। रेलवे पुलिस है ना जी, आपके खिलाफ FIR लगी हुई है वहाँ थाने में, वो देखेंगे तो हम भी देख लेंगे। व्हाट आर यू? आई एम सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर तो ये दीवार जो मेरे, ये मेरे जो पैसा खर्चा ये मेरे है आपने यहाँ, ये मेरे लोगों को परेशान करने के लिए। नहीं, 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 आप इसके ऑर्डर से निकाली तुमने ये जहाँ बाउंड्री लोगों का रास्ता रोका है। ऊंचा क्यों चला रहे हो? इसके ऑर्डर से तुमने लोगों का रास्ता रोका है। नहीं, हमने नहीं रोका। अप्रूवल आई है इसकी प्रॉपर, तुम लाओ अप्रूवल दीवार बनाने का। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ अरुण शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं जिला उधमपुर के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल निकट। ये लोग आप देख रहे हैं इस समय इकट्ठे हुए हैं, पुलिस है, स्थानीय लोग हैं, और हर्षदेव सिंह भी वहीं सामने मौजूद है। और कारण क्या है कि ये दीवार तोड़ी गई और उसके साथ में यहाँ पे एक खड्डा खोदा गया था। मैं पूरी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था। और अभी जो है हर्षदेव सिंह जी वहाँ बात कर रहे हैं, हम जरूर उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दा है और किन मुद्दों को लेके आज इतना जबरदस्त रोष जो है वो उनके द्वारा देखने को मिल रहा है। के किनारे कोई दीवार नहीं बनती है, ये सिर्फ लूट शूट करने के लिए आप लोगों ने ये दीवार बनाई और लोगों का रास्ता रोका। हर चीज का देखो, हर आप बुलाइए अपने सुपरिटेंडेंट को। आप अप्रूवल लेके आइए, मैं खड़ा होकर आपका रास्ता दूंगा, मैं खुद मशीन चलवाऊंगा। आई एम अथॉरिटी, ऐसी थोड़ा होता है की आप मैडम बंद हो ना, हाँ मचा दोगे आप लोग यहाँ पे। चार साल अप्रूवल होते हैं, अप्रूवल है ये रोड जो है। चलो यहाँ पे इंसान नहीं है, वो लोग नहीं है। आप यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए रोड के ऊपर। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। देखिए, ये चेरी सॉइल में एक लोगों के लिए सड़क बनाई गई थी, जिससे चेरी सॉइल के लोगों को फ़ायदा मिलता था, कावा बरियाल कशिरा के लोगों को 10,000 से ज़्यादा लोगों की सहूलियत के लिए ये सड़क PMGSY के माध्यम से बनाई गई थी। रेलवे वालों ने इसके एंट्री पॉइंट के ऊपर एक दीवार खड़ी कर दी। 3 साल से लोग इनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि इस दीवार को हटाइए,
और हमें रास्ता दे दीजिए ताकि हमारी गाड़ियाँ यहाँ से चल सके, और जिस सड़क का निर्माण हमारे लिए हुआ है उस सड़क का फ़ायदा लोगों को मिल सके। 3 साल से रेलवे अधिकारी इनके साथ जो है वो डिले और डिनाई टैक्टिक्स जो है ये खेल खेल रहे हैं, और इस रोड को उन्होंने चालू नहीं होने दिया, वो दीवार अपनी नहीं हटाई, और लोगों को अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जहां तक कि पानी की पाइपें भी यहां से वो नहीं निकलने दे रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये है कि रोड के साइड पे हमने आज तक कभी दीवार लगाते हुए किसी को नहीं देखा, लेकिन ये दीवार इसलिए लगाई गई है कि किसी ना किसी तरीके से सरकारी खजाने को चूना लगाया जाए, टैक्स पेयर मनी को लूटने के लिए ये दीवार बनाई गई है, और दो दो ढाई ढाई फुट इसकी हाइट है दीवार की। अब कहते हैं कभी हमने प्रधानमंत्री को लिखा है, एमएलए इसके पास के लोग यहाँ 12 साल लोग एमएलए रहे और कोई काम उनकी तरफ से नहीं हुआ, सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाते रहे। मेंबर पार्लियामेंट को पूछा, मंत्रियों को कहा, वो कहते हैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, कोई कहता है रेलवे मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है, कोई कहता है गडकरी को चिट्ठी लिखी है। भाई हैरानगी की बात है, 2 फुट ऊंची दीवार को ढहाने के लिए आप प्रधानमंत्री से इजाजत लेने के लिए जा रहे हैं। लानत है ऐसी नेतागिरी के ऊपर, और लोगों को 3 साल से आपने इस सड़क के बेनिफिट से महरूम रखा हुआ है, जो सरासर निंदनीय है। हमारी बहनें यहाँ आ जाई और उनको पुलिस वालों ने जो है वो उनके साथ बदसलूकी की है, उनको धक्के दिए, उनका अपमान किया है, ये सरासर निंदनीय। लेडीज के ऊपर हाथ उठा रही है, लेडीज पुलिस कहाँ है? कहते हैं कभी कहते हैं 45,000, कभी कहते हैं 50,000 रुपया दीजिए इस दीवार को गिराने के लिए। ये हमें PMGSY के लोगों ने भी कहा कि हमसे 50,000 रुपया मांगा जा रहा है रेलवे के अधिकारियों द्वारा, ये इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी। अब हमने फैसला किया, हम पैसा इकट्ठा करेंगे और अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पैसा इकट्ठा करके इनको देंगे, और उन्होंने कहा एक दिन का टाइम दे दीजिए, अगर वो नहीं दे सकते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स को, इनकी मांगों को पूरा नहीं कर सकते हैं, हम इकट्ठा करेंगे लेकिन लोगों को सड़क के बगैर नहीं रहने देंगे, ये हम बताते हैं। आज इन्होंने 200 पुलिस के लोग भेज दिए यहाँ, और मेल लोगों को, महिलाओं के ऊपर जो है वो उनके साथ आपने अभद्र व्यवहार किया है। ये है हुकूमत, ये है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, जो लगातार टेलीफोन कर रहे हैं यहाँ पुलिस वालों को और रेलवे अधिकारियों को, सड़क मत खुलने दो। हर्षदेव के रास्ते में कोई नहीं आ सकता है, मैं लोगों के लिए बोलता हूँ, मैं लोगों के लिए खड़ा होता हूँ, और लोगों की खातिर मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। दुनिया की कोई ताकत हर्षदेव को नहीं रोक सकती है लोगों के काम करने के लिए, और ये ध्यान में रख लें कि ये इस किस्म का, अगर आप किसी के इशारे पर चलेंगे, इन अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूँ, तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सड़क 3 दिन के बाद अगर ये फैसला नहीं होता है तो मैं देखूँगा, हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम दे देंगे, लेकिन लोगों का रास्ता आपको रोकने नहीं देंगे। और मैं अधिकारियों से भी ये कहना चाहूँगा कि ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, कानून के मुताबिक किसी का रास्ता रोकना जो है वो दंडनीय अपराध है, और इन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो भी ये रास्ता रोक रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और ये दीवार बनाई किस लिए है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो बाद में उठेगा, कि सड़क के किनारे आपने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके निकाला है, सरकारी खजाने से कितना पैसा आपने निकाला है इस दीवार को खड़ी करने के लिए, और इसका मकसद क्या है? सिर्फ ये है कि मिल बांट के सरकारी पैसे को हम चूना लगा सकें, ये हम होने नहीं देंगे, और इस रास्ते को जल्द से जल्द खोल दीजिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये प्रशासन भी सुन ले और रेलवे अधिकारी भी सुन ले, और अपने दिमाग में और दिल में गांठ बांध कर रख लें कि यहाँ जोर जबरदस्ती हर्षदेव होने नहीं देगा, आपकी तानाशाही चलने नहीं देगा। तो ये यहाँ पे रास्ता खोलने का प्रोग्राम था, हमने 3 दिन पहले ये रास्ता खोला था, और पीछे से रेलवे वालों ने दोबारा यहाँ एक खड्डा खोद दिया। यहाँ से 3 गांव पड़ते हैं और 3 गांव का रास्ता बंद होता है, और रेलवे वालों की इतनी गुंडागर्दी है कि इनको हमने इतने आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, हमने इनको लीगल नोटिस भी भेजे हैं और इनको बोला भी है कि यहाँ का रास्ता खोलो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज जब महिलाओं दोबारा
सारे जो है मिलजुल कर हमने यहाँ पे जब रास्ते को इसको जो खड्डे को अब भरने की कोशिश की तो इनकी पुलिस आ गई। यहाँ पे लेडी पुलिस भी नहीं थी तब, इनके ये पुरुष थे जो पुलिस वाले और इन्होंने महिलाओं को धक्के लगाए हैं। मेरे को भी धक्का लगा है और तब हमने बोला कि आप महिलाओं को धक्के लगा रहे हो, तब ये लोग पीछे हटे हैं। फिर जाके इन्होंने एक तो अपनी जो है महिला पुलिस है उसको बुलाई है। तो ये इनकी गुंडागर्दी हम ये किसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी इनको हमने 3 दिन का टाइम दिया, इनसे बात हो गई। अगर 3 दिन के अंदर ये फैसला नहीं होता, ये सड़क सीधी नहीं होती तो 3 दिन के बाद फिर यहाँ पे एक उग्र प्रदर्शन होगा। और मैं तो कहती हूँ अगर ये गड्ढा खोदेंगे ना हम उसमें लेट जाएंगे, फिर ये जो DCP है ये हमारे ऊपर से चलाएंगे, तब भी हम नहीं उठेंगे यहाँ से। तो आज का हमारा इनको यही पैगाम है कि आप यहीं के रहने वाले जो पुलिस है वो भी लोकल है, आपको यहाँ लोगों की सेवा के लिए भेजा गया, ना कि लोगों के ऊपर धौंस जमाने के लिए। और महिलाओं के साथ इज्जत से बात कीजिए, उनकी पूरी रिस्पेक्ट दीजिए। आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, इसलिए महिलाओं को पूरी पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज के बाद अगर यहाँ पे कुछ हुआ, अगर किसी महिला के साथ कोई इन्होंने कुछ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की या कुछ इनको तंग करने की कोशिश की, तो सबसे पहले हम वहाँ खड़े मिलेंगे और हो सकता है फिर हम DC ऑफिस के बाहर जाके ये हमारा प्रदर्शन हो, क्योंकि हमें ये रोड चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर हमें ये रोड चाहिए।